मैं कामयाब हो रही हूं। चलो अब अपनी सुनाओ। क्या राम कहानी है? मैं खुश हूं। हाँ मजे में हूँ। बिल्कुल काम कर रही हूँ। प्रमोशन मिला था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों क्यों? क्योंकि वो प्रमोशन विद ट्रांसफर था। मुझे कलकत्ता में चीफ लीगल ऑफिसर बनाकर भेज रहे थे और मैं कलकत्ता जाना नहीं चाहती थी। क्यों क्यों? मेरे ख्याल से मेधा ये बहुत ही अच्छा ब्रेक था तुम्हारे लिए, फिर पता नहीं मिले कि ना मिले। सुनील अगर मैं वाकई अच्छी हूँ तो ये प्रमोशन मुझे दोबारा मिल सकती है, लेकिन उस प्रमोशन के लिए मुझे यहाँ जो कुछ भी खोना पड़ता वो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलता। आई सी। कौन है वो? कौन क्या? मेधा मैं तुम्हारी तरह एक लॉयर हूँ, समझ गई? और मुझे झट से पता चल जाता है कि मेरे सामने जो क्लाइंट है वो क्या मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है चलो कम ऑन टेल मी कौन है वो? तुम जानते हो उसे। ओके लेट मी गेस, ऋषभ मल्होत्रा। फैबुलस। ऐसी बात पे एक और हो जाए? नहीं, रहने दो सुनील। तुम्हारे दो हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि दो के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। डोंट वरी, आजकल मैं अपने ड्रिंक्स होल्ड कर सकता हूँ। ओह रियली? सो चीयर्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हाँ ये बताओ तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो शुरुआत हुई है। अरे चट मंगनी पट ब्याह कर लो यार। क्या बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम लड़कियों की यही लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। पहले तो हाँ या ना करने में वक्त लगाते हो, फिर शादी के लिए हाँ करने में इससे भी ज्यादा वक्त लगाते हो। सुनील जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठ जाए बस। अरे वो सुना है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा तो ये बताओ तुमने कोई लड़की पसंद की है या नहीं? अरे या ऑलरेडी कोई चक्कर चल रहा है? अपना कहाँ यार। देखो अब तुम सुनील मुझसे झूठ मत बोलो बताओ। I swear about it, सच। No. अब ये तो मैं मानूंगी नहीं कि आज तक तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। पसंद आई थी ना एक, वो मेरे सामने बैठी है, बस इसी इंतजार में हूँ मुझे हाँ कर दे। और लेकिन लेकिन अब तो कोई मुश्किल ही लगती है। इतने साल हो गए और तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्ती समझती हूँ। क्या करें मेधा, अपना दिल ही ऐसा है, एक मैग्नेट की तरह से एक बार जहां चिपक जाता है बस चिपक जाता है, वहां से हटने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस बार तो हटना पड़ेगा भाई, ऋषभ साहब जो आ गए हैं। मेधा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें एक मेरे लिए लड़की ढूंढ कर ला दो, तुम्हें तो मेरी पसंद पता है। मैं और क्या? ठीक है। अच्छा ये बताओ खाना वाना खाएंगे या नहीं? क्यों भाई आज इतनी जल्दी भगाने का विचार क्यों? अरे सुनील तुम और पियोगे और यहाँ लुढ़क जाओगे, आज तुम उठाने के लिए साइमन और मार्क दोनों यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहीं कारपेट पे सो लेंगे। यहाँ? यहाँ मेरे घर में। और क्या? सॉरी। ओहो हाँ हाँ ऋषभ साहब को बुरा लग जाएगा। नहीं ये बात नहीं है सुनील, तुम मेरा घर तो देख ही रहे हो ना, और मेरे साथ मेरी छोटी बहन तो यही रहती है,
फिर हम तीन जन इतने छोटे से घर में कैसे रह सकते हैं? हाँ, और फिर ये अमेरिका भी नहीं है, इंडिया है, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, है कि नहीं? एनीवे यू हैव अ पॉइंट, ठीक है मेधा, पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुनील, अगर मुझे अपने आप से ज्यादा किसी और पर विश्वास है तो वो तुम पर।